हेलो फ्रेंड, मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्निकल ऑटोमोबाइल 009। मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो हमारे पास गाड़ी है, ये स्विफ्ट गाड़ी है जो कि AMT व्हीकल गाड़ी है। तो इस गाड़ी में इशू ये आ रहा है कि जब भी हम गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल रहे हैं तो गाड़ी हमारी मूव नहीं हो रही। तो गाड़ी आपको यूनिट दिखाते हैं गाड़ी के ऊपर। ये देखिए, इसमें AMT यूनिट लगा हुआ है। तो AMT यूनिट के साथ जो क्लच लीवर लगा हुआ था, ये एकदम से स्टक कर गया है। तो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये इसका जो क्लच लीवर है एकदम से स्टक कर गया है। तो आपको अभी इसके क्लस्टर मीटर के ऊपर हम ले चलते हैं। तो ये देखिए, गाड़ी का हमने इग्निशन ऑन किया। तो इग्निशन ऑन करने पर ये देखिए, इसमें सभी लाइटें आ रही है। तो जैसे ही हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो आपको दिखाते हैं गाड़ी को स्टार्ट करके। तो ये देखिए, गाड़ी को हमने स्टार्ट कर लिया। स्टार्ट करने के बाद गाड़ी को हम फर्स्ट गियर में डालेंगे। तो ये देखिए, हमने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल लिया। तो फर्स्ट गियर डालने पर हम गाड़ी को फुली एक्सीलरेट कर रहे हैं, तो तब भी हमारी गाड़ी मूव नहीं हो रही। तो ये देखिए, आपको दोबारा से दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए, हमने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाला हुआ। तो ये देखिए, इसका जो जा रही है, तो गाड़ी जो हमारी बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। तो इस गाड़ी में आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। ये देखिए, हमारी गाड़ी जबकि न्यूट्रल पोजीशन पे है और हमारे क्लस्टर के ऊपर 1D शो हो रहा है। तो आपको इसके लीवर के ऊपर ले चलते हैं। ये देखिए, गाड़ी को जैसे ही हमने न्यूट्रल करेंगे, ये देखिए, अभी हमने गाड़ी को न्यूट्रल किया। न्यूट्रल करने के बावजूद भी हमारी गाड़ी 1D में शो हो रही है। तो आपको दोबारा दिखाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, गाड़ी को अभी हम रिवर्स गियर में डालेंगे। रिवर्स से दोबारा न्यूट्रल पोजीशन में गाड़ी को लेके आएंगे। तो लीवर हमारा अभी ये देखिए न्यूट्रल पोजीशन पर है। तो क्लस्टर मीटर में हमें 1D ही शो हो रहा है। तो आप ध्यान से देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम इसको अभी हम स्कैन टूल लगाएंगे। स्कैन टूल लगाने पर हम देखेंगे इसमें कौन कौन से कोड आ रहे हैं। तो जो हमें 3 कोड मिल रहे हैं, तो जो नंबर 1 कोड है P1984, ये हमें करंट में आ रहा है। और 2 कोड हमें हिस्ट्री में शो हो रहे हैं, 185E P2789। ये 2 कोड हमें हिस्ट्री में ही शो हो रहे हैं। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे। तो इस तरह से हमने स्कैन टूल लगा लिया। अभी हम फर्स्ट पहले हम यूटिलिटी पे जाएंगे। यूटिलिटी के जाने के बाद ये देखिए, इस तरह से ये ऑप्शन आएगी। तो इस ऑप्शन में हमने सेलेक्ट करना, ऑयल डिस्चार्ज को हमने सेलेक्ट कर लेना। तो ये देखिए, हमने ऑयल डिस्चार्ज को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। नेक्स्ट बटन प्रेस करने के बाद कुछ इस तरह से कंडीशन मांगेगा। इंजन स्टॉप होना चाहिए, गाड़ी का लीवर न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए, पार्किंग ब्रेक अप्लाइड होनी चाहिए और ड्राइवर साइड वाला डोर ओपन होना चाहिए। उसके बाद हम नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। ये देखिए, हमारा ऑयल डिस्चार्ज प्रोसेस पूरा हो गया। तो ये बोल रहा है इग्निशन ऑफ करना। इग्निशन ऑफ करने के बाद एग्जिस्ट करना, फिर वापस आना। उसके बाद हम बैटरी की, तो अभी हमने ऑयल डिस्चार्ज कर लिया। ऑयल डिस्चार्ज करने के बाद हम इसका यूनिट को खोलेंगे। तो सबसे पहले हम गियर बॉक्स खोलने से पहले हम यूनिट को खोलेंगे। तो ये देखिए, अभी हम यूनिट को खोल रहे हैं। जो उसकी फिटिंग होती है, 3 नट होते हैं इसके ऊपर, यूनिट के ऊपर, और एक नट पीछे होता है। तो चारों नट को हमने खोलना है। तो साथ में जो वायरिंग हार्नेस लगी होती है उसको भी हमने डिस्कनेक्ट कर लेना है। तो जो इसके क्लच लीवर के ऊपर बॉटम केबल लगी होती है उसको भी डिस्कनेक्ट कर लेना है। तो ये देखिए, अभी हमने सभी को फिटिंग खोल ली है हमने। तो अभी हम यूनिट को बाहर निकालेंगे। तो ये देखिए, जैसे हम यूनिट को बाहर निकालेंगे, ये देखिए, अभी हम यूनिट को बाहर निकाल रहे हैं। तो आपने एक हमेशा एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना है, जब भी आप यूनिट को बाहर निकालें तो जो इसका इंटरनल पिस्टन है वो आप उसको ज़रूर चेक करें, वो अपनी जगह से कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये देखिए, जैसे हमने यूनिट को खोला तो आप देख पा रहे हैं जो इसका इंटरनल पिस्टन है वो एकदम साइड पे चला गया है। तो इसको आप दोबारा से अपनी पोजीशन पे लाना होगा। अगर इसको आप चेक नहीं करेंगे तो ऐसे ही आप यूनिट बिठाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपका यूनिट ख़राब हो जाए। तो आपको हमेशा इसको चेक करना है। तो ये देखिए, अभी हम गेयरबॉक्स को खोल रहे हैं। तो सभी फिटिंग हमने खोल ली है। अभी हम गेयरबॉक्स को उतारेंगे।
तो ये देखिए अभी हम गियर बॉक्स को निकाल रहे हैं। तो ये देखिए गियर बॉक्स निकालने पर हम आप देख पा रहे होंगे इसके जो क्लच डिस्क होती है उसका लेदर लगे होते हैं वो एकदम से बर्न हो गए, जल गए हैं। तो ये देखिए इसके लेदर की हालत क्लच की। तो अभी अभी आपको इसको क्लच डिस्क के ऊपर बताते हैं इसकी जो देखिए अभी जो ये क्लच डिस्क है उसको हम दिखा रहे हैं। ये देखिए इसकी जो क्लच डिस्क है एकदम से जल गई है। तो इसकी जो लेदर है एकदम से ख़त्म हो गए हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि जो इसका फ्लाई व्हील है उसके ऊपर भी ब्लैक ब्लैक आप डॉट देख रहे हैं, ये भी हीट हो गया, इसको भी हम रिप्लेस करेंगे। तो अभी हम इसके क्लच से रिलीज बेयरिंग को चेक करेंगे। तो ये देखिए अब जो उसका क्लच लीवर है वो एकदम से स्टक कर गया है, बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। तो ये देखिए अभी हम इसको जोर से प्रेस कर रहे हैं तब भी ये क्लच बेयरिंग अपनी जगह से मूव नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें क्लच बेयरिंग को निकालना है। क्लच बेयरिंग निकालने के बाद इसके जो क्लच बेयरिंग यहाँ चलता है उसके सरफेस के ऊपर रिंग मार से अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। साफ़ करने के बाद हम इसके ऊपर ग्रीस को अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए अभी हम इसके ऊपर ये देखिए क्लच लीवर के ऊपर हमने ग्रीस को अप्लाई किया और जो इसका क्लच लीवर का सरफेस है उसके ऊपर भी हम ग्रीस को अप्लाई करेंगे। तो इस तरह से तीनों पॉइंट के ऊपर हम ग्रीस अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद हम क्लच बेयरिंग को फिट करेंगे। तो ये देखिए अभी हमने न्यू क्लच बेयरिंग ले लिया। तो न्यू क्लच बेयरिंग को फिट करके बताएंगे आपको। तो आपको दिखाते हैं इसका क्लच पुराना बेयरिंग, क्लच रिलीज बेयरिंग। तो अभी हम इसको फिट करेंगे जो हमारा न्यू क्लच रिलीज बेयरिंग है। तो इस तरह से आपने इसको बिठा लेना है लीवर के अंदर। तो ये देखिए इसमें एक पिन लगी होती है तो ऊपर वाली साइड पे पिन के ऊपर बिठा के इसको अच्छी तरह से फिट कर लेना है। फिट करने के बाद आपने इसके क्लच बेयरिंग को अच्छी तरह से चेक करना है हमारा क्लच रिलीज बेयरिंग मूव हो रहा या नहीं। तो ये देखिए हमने क्लच बेयरिंग को फिट कर लिया न्यू को। तो अभी हम इसकी पोजीशन को चेक कर रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये देखिए अभी हमने फ्लाई व्हील उतार लिया। तो अभी हम न्यू क्लच सेट को ले लिया तो उसको हम फिट करेंगे। तो आपको दिखाते हैं ये देखिए हमारे पास न्यू क्लच सेट है। तो ये हमारी प्रेशर प्लेट है और साथ में ये क्लच डिस्क है। तो ये देखिए दोनों चीज़ नहीं है हमारी। तो इसको हम फिट करने का प्रोसेस बताएंगे कैसे फिट करना है। तो ये देखिए अभी सबसे पहले हम फ्लाई व्हील को फिट करेंगे। तो ये देखिए हमने न्यू फ्लाई व्हील ले लिया। तो न्यू फ्लाई व्हील लेने के बाद ये देखिए इसमें 6 बोल्ट लगे होते हैं। इसको हम 830 न्यूटन मीटर टॉर्क देंगे टॉर्क रेंच की मदद से। तो आपको दिखाते हैं इसको सेट करने का तरीका। तो ये देखिए हमने टॉर्क सेट की 830 न्यूटन मीटर। तो उसके बाद इसको टॉर्क करेंगे फ्लाई व्हील को 830। तो इस तरह से सभी बोल्टों को हमने टाइट कर लिया। तो उसके बाद हम प्रेशर प्लेट को फिट करेंगे। तो ये देखिए प्रेशर प्लेट को फिट कर लिया भाई। तो इसको भी हमने टॉर्क में ही टाइट करना है। तो इसके एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना इसको हमें हमेशा स्टार पोजीशन में ही टाइट करना है। तो आमने सामने फिर तो ये देखिए इसकी 230 न्यूटन मीटर टॉर्क की है हमने टॉर्क रेंच की मदद से। तो 230 न्यूटन मीटर टॉर्क देंगे इसको बोल्ट को। तो ये देखिए अभी हम इसको टाइट कर रहे हैं। ये देखिए एकदम से हम इसको स्टार पोजीशन में ही टाइट करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं ये देखिए इस तरह से इसको टाइट करना है हमेशा क्लच सेट को। तो इसको हमेशा स्टार पोजीशन में ही टाइट करना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरह से टाइट कर लिया। तो टाइट करने के बाद ये देखिए हमने क्लच सेट की पूरी फिटिंग करने के बाद ये देखिए गाड़ी को हमने कंप्लीट फिटिंग कर ली गाड़ी की। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट फिटिंग करने के बाद इसको हम आर लर्निंग करेंगे स्कैन टूल की मदद से। तो ये देखिए अभी हमने स्कैन टूल ले लिया। स्कैन टूल लेने के बाद तो आप देख पा रहे होंगे इसकी जो कंडीशन है इसको अप्लाई करना है। तो उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हम आर लर्निंग करेंगे स्कैन टूल की मदद से। तो ये देखिए इग्निशन ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद ये देखिए इस तरह से प्रोसेस करेगा। ये देखिए ग्रीन लाइन की पट्टी जो जा रही है ये प्रोसेसिंग हो रहा है हमारा। तो उसके बाद दोबारा से बोल रहा है इग्निशन ऑन करना है। तो हमने इग्निशन को ऑन किया। ऑन करने के बाद नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है। ये देखिए प्लीज़ वेट। तो आप देख पा रहे होंगे इसके क्लस्टर मीटर को आपको ले चलते हैं। तो ये देखिए स्कैन टूल की मदद से आप देख पा रहे होंगे इसके गियर शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से इसके गियर शिफ्ट होंगे सभी। तो आप देख पा रहे हैं ये देखिए अभी हमारी गाड़ी थर्ड में है फोर्थ में है।
तो इस तरह से प्रोसेस कर रही है स्कैन टूल की मदद से। तो ये देखिए अभी हमारी गाड़ी 5D में चली गई, तो फिर न्यूट्रल, तो उसके बाद देखिए दोबारा से ये रिवर्स में चलेगी। तो ये स्कैन टूल की मदद से ये प्रोसेस हो रहा है। तो ये इस प्रोसेस को पूरा करना है। तो ये देखिए फिर इग्निशन को ऑफ किया, ऑफ करने के बाद दोबारा से हम नेक्स्ट बटन को प्रेस करेंगे। तो ये देखिए इग्निशन ऑफ करना है दोबारा से, फिर नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है। तो ये देखिए प्रोसेस हो रहा है हमारा, जो ग्रीन लाइन आप देख पा रहे होंगे नीचे वो कंप्लीट होने के बाद ये देखिए इग्निशन को दोबारा ऑन करना है। हमने इग्निशन ऑन कर लिया, ऑन करने के बाद ये देखिए फिर इंजन को स्टार्ट करना है। तो ये देखिए ये प्रोसेस हमारा स्कैन टूल की मदद से हम करेंगे और लर्निंग कर रहे हैं। इस तरह से जो जो आपको स्कैन टूल बताएगा उसी तरह से आपने इसको करना है। तो ये देखिए अभी हम और लर्निंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये देखिए दोबारा से इग्निशन ऑफ पोजीशन में बोल रहा है, तो हमने इग्निशन को ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद दोबारा नेक्स्ट बटन को प्रेस करना है। तो ये देखिए दोबारा से इंजन ऑन। तो ये देखिए प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया और लर्निंग का। तो अभी हम गाड़ी को, उसके बाद हम गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं। तो ये देखिए अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी हम गाड़ी डी मोड में चला रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे जैसे कि गाड़ी, हमारी गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखिए सेकंड गियर डिस्प्ले पे शो हो रहा है, फिर थर्ड। तो इस तरह से हमारी गाड़ी एकदम से सही होगी, इसमें कोई कोड नहीं आ रहा। तो इसका जो प्रॉब्लम थी इसमें गाड़ी में क्लच सेट की ही प्रॉब्लम थी। तो हमने फ्लाई व्हील और क्लच सेट और क्लच रिलीज बेयरिंग को चेंज किया, तो गाड़ी हमारी बिल्कुल ओके हो गई। तो ये देखिए अभी हम गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारी गाड़ी एकदम से स्मूथ चल रही है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।